आपका क्या काम है? चश्मा हेलो आ जाओ जल्दी अपन रिक्शा देख भैया आपका सीट लॉक हो गया ये स्टीयरिंग लॉक नहीं स्टीयरिंग स्कूटी बेड़ा बंद आना ठीक है अपने आप को मुलाजिम कौन सा क्राइम ब्रांच आप न करते पा रहे दिखता नहीं है कांस्टेबल नहीं हूँ।
मैडम अभी आप कह रहे थे कि एसपी पुनिया भी आपके अंडर रहे हैं, वो क्या बात और क्या बताया आपने? क्यों हटाऊं, क्यों हटाऊं, किस लिए हटाऊं मैं बताइए? आपने सरेआम पिस्टल टांग रखी है, पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं आप, पुलिस के साथ बदतमीजी करोगे आप, पुलिस के साथ मिसबिहेव करोगे आप, पुलिस के साथ मिसबिहेव करोगे आप, सभी के साथ मिसबिहेव करोगे, मीडिया को भी कुछ नहीं समझते आप। अंकल को अभी तो अंकल का कार्ड मांग रहे थे आप, अभी अंकल का कार्ड मांग रहे थे आप, अभी अंकल का कार्ड मांग रहे थे आप। आपको सारी अथॉरिटी है, सारी अथॉरिटी आपके पास। किस तरह की शिकायत मिली थी, क्या कार्रवाई मन में लगी? वासी चौक पर शिकायत मिली थी, एक दुकान में कोई लेडी सामान खरीदी थी जो अभी पिस्टल ली हुई है, जो जिसको वहाँ पर मौके पर जाके देखा तो जब खिलौना टाइप पिस्टल था उसके पास, और जिसने पूछताछ की थी जिसने बताया कि उसके बच्चे का जन्मदिन था, उस पर वो खरीद कर दुकान से खरीद कर ले आई थी। महिला कहाँ की रहने वाली है, क्या बताया गया, क्या प्रोफाइल है और किस तरह से जो है? क्योंकि तो महिला थोड़ी सी परेशान सी लग रही थी, जिसे वो अपना नाम ऋतु बता रही है, वाइफ जाती वासी दिनोद नाम बताया है, जो ये बताइए मैं चंडीगढ़ ला कर रही हूँ, जिसको पूछताछ की जा रही है, और जो पिस्टल टाइप ले रही थी वो खिलौना। महिला क्राइम ब्रांच से खुद को बता रही थी, जो पूछताछ में क्या ऐसा पता चल पाया महिला पुलिस से या किसी क्राइम ब्रांच से जुड़ी हुई? नहीं, क्राइम ब्रांच जो महिला बता रही, मैं चंडीगढ़ पढ़ रही हूँ, अभी चंडीगढ़ में पढ़ रही हूँ, ला कर रही हूँ, उन्हें ये बताया थोड़ा सा। क्योंकि आपसे भी उसने पहचान पत्र की मांग की थी, बार बार लगातार कह रही थी कि आप पहले पहचान पत्र दिखाइए उसके बाद मैं दिखाऊँ। हाँ, महिला जी हमने उसका पहचान पत्र मांगा तो वो अभी थोड़ी सी हड़बड़ा गई थी एकदम, तो उसका मेंटली थोड़ी सी लग रही है वो। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।